Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, तू चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुन माता प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु। आज का श्लोक से बहुत कुछ सीखा कृष्ण भावना मित्र के बारे में, जो कि ये ट्रांसेंडेंटल है, और बहुत कुछ अब पता है प्रभु। जो भक्त का ये जो भक्ति जो है ये कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हम अगर इस जन्म में हम अगर सपोज 40% कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जन्म में वो उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि फिर से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। भगवान का ये बहुत ही सुंदर तरीका है कि हमें भक्ति करते हैं, वह भी भक्ति जब करते हैं तो हमारा और भी ज्यादा मतलब आगे का कोई विफल नहीं होता। भक्ति जो पहला जन्म में हम लोग करते हैं वो विफल नहीं जाते। और फिर प्रभु जी अपने जो रूप गोस्वामी के बारे में बताए कि इंद्रियों वो जो वाच बेगम वो जो इंद्रियों का वेग है, ये हमें धीरे धीरे भगवान की कृपा से भगवान का प्रेमय सेवा से धीरे धीरे और गुरु का कृपा से धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। और इंद्रियों को हमेशा हमें भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। जैसे कि आपने बताए प्रभु वो जो अर्च विग्रह के बारे में, ये इट्स रियली सच है कि इस्कॉन का जो डिटेल्स है इतना सुंदर है। यही मतलब जो भी कोई मंदिर में हम जाते हैं, हम मतलब इतना सुंदर वो जो डिटेल्स होता है, तो उसमें भक्ति में मतलब आँख फिरा मतलब हम आँख हटाना नहीं पाते। इतना सुंदर और इतना अच्छा लगता है भगवान के भक्ति में। बहुत कोई भक्त लीन हो जाते हैं, मतलब घंटों में मतलब भगवान की तरफ देखते ही रहते हैं, इतना सुंदर होता है। और फिर अपने जो ये जो डीटी वर्शिप के बारे में बताए प्रभु जी, डीटी वर्शिप हमें प्रभुपाद ने दिया है, हमें योग धर्म जो है हमारा नाम संकीर्तन, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन में डीटी वर्शिप दिए है। तो हम जब डीटी वर्शिप करते हैं तो मंगल आरती करते हैं, फिर डीटी वर्शिप करते भगवान का प्रेम सेवा में युक्त होते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाते हैं, तो सब कुछ में भी एक बहुत सुंदर आनंद मिलता है भगवान के कार्य में। क्योंकि हमारा इंद्रिय हमेशा भगवान के भगवान से लगा हुआ रहता है। और फिर जैसे कि हम अलग टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब हम श्रवण कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं। हमारा कान जो अलग कोई सुनना नहीं चाहिए हमें, जब हम इश्कन में आ जाते हैं डिवोटी होने का ट्राई करते, तो हमें ये अलग सा कोई बातचीत किसी का निंदा ये सब कुछ सुनना नहीं चाहिए, बल्कि वो टाइम हमें भगवान के भगवान का श्रवण करना, बुक्स पढ़ना, ये सब में लगाना चाहिए। और जैसे हाथ से हम प्रेम में भगवान की सेवा करते हैं, हमारा पैर से हम धाम जा सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, तो भगवान का और फिर भगवान का जो कृपा ये हमारा अशुद्ध भक्त या गुरु के माध्यम से मिलता है। इसीलिए गुरु वाक्य हमेशा हमें पालन करना चाहिए, गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर हम गुरु का अच्छी तरह से गुरु का कहना माने या हमारा भक्ति अच्छी तरह से करे, भगवान का कृपा हमें मिलता है। और थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्त को। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स प्रभु जी आपने बताया, जैसे एक आपने बताया जो चाइल्ड का, तो प्रभुपाद का बहुत फेमस कोट मैंने एक पढ़ा था, वो मुझे याद आया, वन शुड नॉट बिकम अ पेरेंट्स इफ दे कांट मेक देयर चाइल्ड कृष्णा कॉन्शियस। तो बहुत अच्छा कोट है प्रभु जी कि अगर आप हमें पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए, अगर हम अपने बच्चे को कृष्णा भावनामृत में अगर नहीं ला सकते तो। Right. And second point after प्रभु जी बताया कि अगर मंगला आरती कर लिया हम लोग ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, अगर माला कर लिया और फिर बाद में हम सोचे कि चलो अभी तो जो करना था हम लोग ने इसके लिए डिवोशन के लिए वो तो हमने कर लिया, मंगला आरती भी कर लिया, जापा भी कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए थे, सब हो गया, तो अभी दिन में कैसे भी रहो तो ठीक है, थोड़ा चलेगा। तो इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु के हम लोग ने भक्ति शास्त्री की क्लास में सुना था कि आपने मॉर्निंग में जो रूटीन किया उसका इम्पैक्ट है, बट आप थ्रू आउट द डे कैसे रहते हैं उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे दिख जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में 2 घंटा या 3 घंटा बस जो कृष्ण भावना में थे उसमें एकदम ऐसा लीन रहना है और बाकी टाइम आप कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको थ्रू आउट द डे आप जो भी कर रहे हैं उसमें उस भाव से ही करना है, तो आपका जो नेक्स्ट डे जब आप उस मुहूर्त में उठेंगे तो उसका इम्पैक्ट देखेगा, अदरवाइज वो धीरे 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 जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट आपका जाने लगेगा और फिर वो एक फॉर्मेलिटी टाइप हो जाएगा जो जो कि अच्छा नहीं है एक एक डिवोटी के लिए। जय सही इम्पोर्टेंट। थैंक यू, ये बहुत अच्छा आपने शेयर किया प्रभु कि जो हम करेंगे अगले दिन वो मतलब पता चलेगा। करेक्ट। बहुत टाइम हम सोचते कि आज हमारा जपा क्यों अच्छा नहीं हो रहा है या क्यों, तो ये अभी नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि मैंने पूरा दिन यूट्यूब पे इधर उधर पॉलिटिक्स ये याद प्रज्वल पा, तो आज मेरा भक्ति अच्छा नहीं हो रहा है। थैंक यू प्रभु। जया बोलो। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न था कि जो जैसे कि अभी बताया गया था कि प्रभु जी ने समझाया ना, जैसे कि हम देखते हैं अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि अगर जो भक्ति में मतलब जैसे हम देखते हैं कि दो लोग खुश होते हैं पूरे जिंदगी में, एक वो जो इग्नोरेंस में है मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक जगत में, और एक वो जो पूरी तरीके से आध्यात्मिक जगत मतलब भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, तो उसमें हम लोग कभी कभी देखते हैं जो बीच में जो अटके हैं तो उनका क्या होगा। तो अर्जुन पूछ रहे जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो और कुछ नहीं तो कम से कम वो स्वर्ग लोग उनको मतलब अच्छे प्लैनेट्स मिलते हैं स्वर्ग लोग, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि हम सुनते हैं हमारे शास्त्रों में हमने कई बार ये सुना है कि जो पुण्य करते हैं जिनको कृष्ण भावनामृत में जो लोग नहीं है एंड आउटसाइड कृष्ण भावनामृत में है वो लोग भी पुण्य कार्य करते हैं ताकि उन लोगों को स्वर्ग मिले, तो जो बीच में अटकते हैं जो जान चुके हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है लेकिन वो लोग जैसे अर्जुन यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरा नहीं कर पाते वो लोग, तो भगवान यहाँ पे उनको अंतर देते हैं कि वो अच्छे प्लैनेट में जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। पर मेरा प्रश्न ये था कि कोई भी जो डिवोटी बनने की कोशिश करेगा भगवान का भक्त कोशिश बनने की कोशिश करेगा उसको भगवान और भगवान का धाम चाहिए, तो वो व्हाई विल ही और शी सेटल फॉर लेस, वो क्यों चाहेंगे कि हमको स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग तो नीचे का एक लोक हो गया और वो जो भगवान लेवल की भगवान को चाहता है भगवान के लेवल तक पहुंच गया है, वो चाहते हैं कि उनको पता चल चुका है कि वही सबसे जैसे ध्रुव महाराज के लिए था उनको भी एक लोक के लिए सेटल होना पड़ा क्योंकि वो पहले निकले थे मटेरियल उसके लिए मटेरियल डिजायर के लिए, तो सच में जो भगवान को चाहेगा वो तो खुश नहीं होगा स्वर्ग लोक में जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में उसे ऐसे भले पायस लोग होंगे बट
वो लोग भगवान की भक्ति तो नहीं करना चाहते पूरी तरीके से, वो अपने पुण्यों का फल भोगना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ वो क्यों खुश रहना रहेगा, वो तो नहीं रह पाएगा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है जी प्रभु जी? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, एक्चुअली क्या है ना, आपने जो कहा वो एकदम सही कहा, तो यहाँ पे भगवान ना ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि सब लोग स्वर्ग, तो पहले बोलते हैं जो मतलब अलग अलग, मतलब अर्जुन का जो प्रश्न था तो वो बोलते कि मैं बताता हूँ आपको, तो अगर आप बाद में पढ़ भी सकते हैं जो सिक्स्थ चैप्टर है, तो भगवान बोलते हैं कि जो जो पूरा नहीं कर पाते या तो स्वर्ग जाएंगे या वहां पे भोग करेंगे या फिर धनी परिवार में जन्म लेंगे। और आगे देखिए ये भी कहते हैं, पूर्वाभ्यास न तेन एव रियन्ते हि अवशोपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्मण वर्तते। तो वो बोलते कि और he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare. और फिर भगवान आगे लिखते हैं, on taking such a birth he receives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. And by virtue of his divine consciousness of his previous life he automatically becomes attracted to the yogic principle. मतलब ये जो पहले मैंने बताया था ना, दिस आर ऑल ऑप्शंस, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, तो जो हमारी भक्त जो भक्त है प्रभु जी, आप वो प्रभु जी बता रहे, आप बता रहे थे जो ऑप्शन तक सुनाई दिया बस, उसके बाद आवाज नहीं आई। तो माता जी वही बता रहा था कि जो भगवान है ना, अभी सुनाई दे रहे ना, आवाज आ रही ना? कि मतलब जब अर्जुन पूछते हैं ना क्या होगा ऐसे अनसक्सेसफुल योगी का, तो लॉर्ड स्टार्ट्स गिविंग ऑप्शन। तो एक तो मतलब ऐसे किसी का मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा, उन्होंने जो भी कार्य किया आध्यात्मिक में, तो एक तो मतलब स्वर्ग लोग जाएंगे वहां पे भोग करेंगे, फिर या फिर उसके बाद में किसी धनी परिवार में वो जन्म लेंगे। और फिर भक्त के बारे में बताते हैं कि आगे अगला जन्म जो है वो किसी भक्त के घर में जन्म लेंगे, एंड ही विल कंटिन्यू फ्रॉम वेरी लेफ्ट। और उसका जो पहले का जो कॉन्शियसनेस के कारण उसने जो पहले भक्ति की है वही कॉन्शियसनेस उसका होने के कारण ही विल कंटिन्यू एंड ही विल प्रोग्रेस फर्दर ऑन द भक्ति। तो जो भक्त होगा उसका ये डेस्टिनेशन होगा, ही विल टेक बर्थ इन अ वैष्णव फैमिली एंड ही विल कंटिन्यू फर्दर इन हिज भक्ति लाइफ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा,
इसमें खाली एक दो चीज में ऐड करना चाहता हूँ, कवर्ड एवरीथिंग। इसमें जैसे आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि तेषां सुपक्व योगानां चित्त श्वासेन्द्रिय आत्मानां आत्मनाम। तो जो ये प्रोसेस जो कर रहे हैं जो योगी लोग हैं, ये लोग भी जो है भगवान की कृपा से, मतलब जो गुरु है, जो यहाँ पे गुरु जो है ब्रह्मा जी की कृपा से हो रहा है। दिस इज बिकॉज बाय सच परफेक्शन दे हैव अटेंड बाय योर मर्सी। तो हर चीज में गुरु का या डिवोटीज का मर्सी बहुत जरूरी होता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो है जो हमारे आचार्य हैं उनका कृपा होना बहुत जरूरी होता है। जैसे प्रभु ने बहुत अच्छे से कहा कि उनके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब दैट इज ए मस्ट। और दूसरा चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि इवन जो योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, वो लोग जो हैं जो जो प्रोसेस कर रहे हैं सेंस कंट्रोल का, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो एक्चुअल जो है माइंड को जो है कंट्रोल करना है। तो जो मेन पर्पस है वो सारा माइंड कंट्रोल का है, मतलब खाली ब्रीदिंग नहीं। लोग जो है खाली ब्रीदिंग में अटक जाते हैं, अनुलोम विलोम करो और अलग अलग प्रकार के ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अटक जाते हैं। उनको लगता है वो कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया, योगा पूरा योगा हो गया। नहीं, योगा मीन्स जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं योगा मीन्स कनेक्टिंग, यानी जोड़ना। तो खाली ब्रीदिंग करके हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। तो एक जो गुरु का कृपा होना चाहिए और सही जो जो उद्देश्य है ब्रीदिंग का वो है अपने मन को कंट्रोल करना। क्या हम लोग मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं ये देखना चाहिए। क्या हम अपने विवेकों को कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या हम लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या हम लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पा रहे हैं? तो ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी स्टिल वी आर फेलिंग। तो हम लोगों को उसमें प्रयास करना है अच्छे से, और वो कैसे होगा? बाय योर मर्सी। तो अपना गुरु का कृपा के लिए हम लोग को याचना करना चाहिए और हमारे हर प्रयास में हम लोग को भगवान का, गुरु का जो है, भगवान से ज्यादा गुरु का जो कृपा है, वैष्णव कृपा का हम लोग को याचना करना चाहिए। कि ये एक मैसेज हम लोग इसमें से ले सकते हैं, इसका इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और एक चीज मुझे इसमें अच्छा जैसे लगा कि जैसे जो भागवतम का छठा श्लोक है कि भगवान के भक्त कहीं पे भी जाने से नहीं डरते, ये नारायण परा है। वो लोग ऐसा नहीं है कि उनको अगर नरक में डाल दिया तो डर जाएंगे वो लोग। जैसे उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, कोई बोल सकता है? प्रभु बलि महाराज। बलि महाराज है, वेरी गुड। और कोई? प्रहलाद महाराज। प्रभु प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट एग्जांपल। वो तो लिविंग हेल था उनके लिए, मतलब जीते जागते उनको मतलब भेजना नहीं पड़ा उनको, उनके पिता ही उनका मतलब जान मारने के लिए पीछे पड़े थे और पल पल तो बट ही वॉज नेवर अफ्रेड। तो जो नारायण परा है, जो हमेशा भगवान से जो है प्रेम करते हैं, उनको कहीं पे भी रहे, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, वो हमेशा जो है मतलब उनको कोई परवाह नहीं है। जहाँ भगवान जैसे रख रहे हैं हम खुश है, चाहे वो नरक में रखे, स्वर्ग में रखे, कहीं पे भी रखे। सो दैट इज ऑल्सो वन मैसेज वी कैन टेक। तो थैंक यू सूरत माधव प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। खाली ये एक दो चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। वृंदावन में चले गए, सब लोग हेल्थ छोड़ के वृंदावन में आते हैं, वो वृंदावन छोड़ के हेल्थ।
और वो हेल को आज देखे तो आज वहाँ पे कितना बड़ा इस्कॉन सेंटर है, वहाँ पे कितने डिवोटीज हैं। सो एंड और एक चीज ऐड करना चाहिए, मे बी मटेरियल, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जो वापिस आया है एंड ही इज प्रेजिंग हिंदूज। इट इज द इस्कॉन डिवोटीज जो वहाँ पे वो लोग बिहेव कर रहे हैं, वो लोग जो सेवा कर रहे हैं। हिंदू तो क्या है, पहले नहीं थे वहां पे, हिंदू थे वहां पे, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने मिशन अमेरिका में बढ़ाया है, जो वहां पे आज भी जो है भगवान के भक्त सेवा कर रहे हैं वहां पे, इस्कॉन के भक्त सेवा कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट एवरीबॉडी इज प्रेजिंग हिंदूस। एक्चुअली इट इज नॉट हिंदूस, इट इज इस्कॉन डिवोटीज, हमारे वैष्णव हैं जिनको लोग प्रेज कर रहे हैं। सो वी शुड टेक दैट, इट्स ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी का कृपा है ये बस। थैंक यू फॉर डूइंग दिस सूरत माधव। हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते, ऑल ग्लोरीज टू प्रभु। ये जो कस्टमर वाला बात बोला मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कष्ट कर करके मर जाता वो है कस्टमर। सही में ऐसे ही है, हम लोग कष्ट कर करके ही मर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टिल वी डोंट रियलाइज हम लोग कितना कष्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, स्टिल वी थिंक वी आर एंजॉयिंग। अरे मुझे थोड़ा सा एक सुख मिल गया, थोड़ा सा एक रसगुल्ला खा लिया या कुछ भी, थोड़ा सा सुख मिल गया था वी आर, बट कितना हम लोग वो एक रसगुल्ले के लिए पूरा कितना हम लोग कष्ट सहन कर रहे हैं, डोंट रियलाइज दैट। और यही माया का सबसे बड़ा प्रभाव है, हमारी मुक्ता है, हम लोग समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी ने इतना बुक्स में दिया है फिर भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हरे कृष्णा, चलो थैंक यू, हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा, ग्रंथराज में भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, इस्कॉन गुरु वृंद की जाय। हरे कृष्णा, तो